गुड मॉर्निंग गाइस। तो अपनी लेह लद्दाख से ट्रिप जो है वो आज से शुरू हो गई है। तो शुरू करते हैं रायपुर राजस्थान से। तो जयपुर होके दिल्ली होके वाया पंजाब होके निकलेंगे जम्मू और श्रीनगर की तरफ। तो बिना किसी टाइम सो गाइस, इस ट्रिप के लिए मैंने काफ़ी तैयारी की है, जो कि मैंने कम से कम मुझे 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं जो कि मैं लेह लद्दाख की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे सर्किट कंप्लीट करना ही था, तो मुझे स्प्लेंडर पर करना था, तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। तो बाइक तो मेरे पास थी, बड़ी लेने का सोचता था, मैं गैजेट ना ले पाता, इसलिए मैंने SJKM लेजेंड 6 जो कि 12.5 हज़ार में मिला था मुझे अमेजोन से, वो लिया मैंने। फिर बैग और सैडल बैग वगैरह लिए, जो कि सबकी कीमत 1500 से 2 हज़ार के बीच में है। फिर मैंने कैमरा लिए और मोबाइल भी लिया, नया सैमसंग A53, तो उसके फोटोज वीडियोज के लिए वो भी ज़रूरी था। कुछ भी ज़्यादा नहीं था मेरे पास, 25 से 30 हज़ार थे जो कि मैंने अपने अलग से बचाए रखे थे। और बाकी तो अकेला ही निकला घर से, अभी हूँ निकला हूँ, तो देखते हैं आगे जाके कौन कोई ज्वाइन किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। मुझे आशा है मिल जाएगा कोई ना कोई ग्रुप, तो उसमें ज्वाइन कर लेंगे। तो अभी हमें रायपुर से निकलते हैं, फिर पेट्रोल भराएंगे और श्रीनगर से आगे ही आपको सबसे अच्छा व्यू वगैरह सभी रोड ऑफ रोडिंग और पक्का जो भी मतलब पक्की सड़क है वो सब आगे ही मिलेगी। तो यहाँ तक तो आपको देखने में कोई है नहीं, यहाँ तो अपनी बस भाई पहले वीडियो में तो यही होगा कि भाई हम कहाँ से निकले, मैं कहाँ से हूँ। वैसे मैं आपको बता दूंगा, मुझे घूमना पसंद है जो कि मैं घूम रहा हूँ। बाकी अभी भरवाते पेट्रोल हाईवे पे पहुँच चुके हैं, तो भरवाते पेट्रोल कितना क्या आता है इंदड़ा से पहले भरवा लेंगे। फिर आपको मिलते हैं सीधा ब्यावर, फिर ब्यावर से अजमेर, अजमेर से आज लगभग हम मैं इस वीडियो में पंजाब तो कवर कर लूँगा, क्योंकि सब हाईवे है, हम कहीं रुकने वाले हैं नहीं, नेशनल हाईवे पे सीधा सीधा निकलेंगे। तो आपको ये मत मानिए कि भाई इतने सिटी आए बीच में, भाई मैं सिटी में नहीं जाऊँगा, सबसे बाईपास ही निकलूँगा। तो अगले वीडियो में आपको पंजाब से आगे जो भी मतलब जम्मू कश्मीर से, हाँ जम्मू से आगे आपको व्यूज मिलने लग जाएंगे। चलो हमसे पेट्रोल यहीं से भरवा लेते हैं सेंदड़े के, यहाँ राजस्थान में 108 रुपये के आसपास भाव चल रहा है। तो भैया आपको हाईवे के अलावा कुछ मिलेगा नहीं, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इसलिए यहाँ तो बस हाईवे हाईवे देखने हैं पंजाब तक। बाईपास बाईपास निकल जाएंगे और क्या है, नाश्ता करेंगे और बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं। तो मिलते हैं आपको सीधा बाद में, भी आगे ले लेते हैं गाड़ी में, फिर बात करते हैं आपसे। ग्लव्स व्लव्स भी पहनने तो ग्लव्स पहन लेते हैं, क्यों सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी। भाई हम अभी जाएंगे ब्यावर की तरफ, फिर ब्यावर से बाईपास लेके सीधा अजमेर, अजमेर से किशनगढ़। अजमेर में टी ब्रेक लेंगे, तब तक कोई ब्रेक नहीं है, अजमेर पार करने के बाद ही लेंगे ब्रेक। बाकी आपको बोरिंग महसूस हो रही हो तो भैया सॉरी, क्योंकि इस वीडियो में बोरिंग आपको थोड़ी बहुत हो सकती है। बाकी जो भी आगे के जो भी वीडियो आएंगे उसमें बस नज़ारे और ड्रोन शॉट्स ही मिलेंगे। सो गाइस पहुंच चुके हैं अभी ब्यावर। तो ब्यावर में आपको क्या दिखाऊं, ये देख लीजिए, बस यही रोड है दिख रहे हैं। अभी अजमेर रोड थोड़ा टी ब्रेक लेंगे, फिर दे आपसे बातें करते हैं। सो गाइस नाश्ता और टी ब्रेक हो चुका है, और आपको खुशखबरी बता दूं कि मुझे 2 भाई है जो पुणे से हैं और बहुत अच्छे बंदे हैं। एक का नाम गणेश भैया है और दूसरे का नाम राजेश भैया है। राजेश भैया के पास जो कि हिमालयन है, और पास में घड़े गणेश भैया के पास में डोमिनार 400 है। तो गाइज हमारा कोई वो स्पीड का तो मैच नहीं होगा, लेकिन उन्होंने बोला है कि भाई हम साथ में चलेंगे और आगे जा रहे हैं, जो कि हाँ गणेश भैया निकल चुके आगे। तो उन्होंने बोला है कि हम साथ में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा यहाँ से रश करेंगे। बाकी हमें अमृतसर जाना है और मुझे अमृतसर जाना नहीं है, वो अमृतसर जाके वापस आएंगे, तो हम मिल जाएंगे सीधे जम्मू में, सॉरी श्रीनगर में मिलेंगे हम। तो मिल जाएंगे फिर श्रीनगर से एक ओके, फिर आगे सब इकट्ठे चलेंगे श्रीनगर में, 2 और नाइट रुकना है। फिर आपको बताता कि मैं चला जाऊंगा आज सीधा पंजाब और रात को पहुंचूंगा शायद लेट। तो मुझे सीधा पंजाब जाना है, पंजाब भैया के पास 1 नाइट रहूंगा, फिर जम्मू निकल जाऊंगा, जम्मू भैया के पास 2 नाइट रहूंगा, फिर सीधा श्रीनगर की ओर निकल जाएंगे। बाकी अभी पहुंच चुके हैं हम पंजाब, और अभी जाएंगे मावली, जो कि रात के 12 बजे के आसपास पहुंचेंगे। अभी बज रहे हैं शाम के 7, तो भाई पीछे बारिश बहुत थी तो कपड़े भी भीग चुके हैं, तो अभी जाके सुखाएंगे, फिर सुबह तक सूख जाए तो अच्छे है, फिर 10 बजे के आसपास निकल जाएंगे। और बाकी हाईवे अच्छे हैं, देखे हैं मैंने जब से पंजाब में एंट्री की है, हाईवे तो एक नंबर के है। सो गाइज मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बने रहे हमारे साथ। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और
लाइक का ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के, और अपने भाई पे इतना प्रेम बनाए रखे।